बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़। भारत और चीन में लद्दाख के मामले को लेकर पाकिस्तान से बड़ी अहम खबर निकलकर सामने आई है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तमाम तर सबूतों के साथ बताने जा रहा हूँ कि पाक फौज ने कैसे लद्दाख के मामले पर चीन का भरपूर साथ देने का फैसला कर लिया है। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान को चीन का साथ देने से रुकवाने के लिए भारत कैसे सऊदी अरब से मदद मांग रहा है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले इंसान न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर चलने वाली इस खबर को देखें। भारतीय मीडिया के मुताबिक कल मोदी की जानिब से सऊदी किंग सलमान से तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ये गुफ्तगू किस तनाजुर में हुई, उसकी तफसीलात से आपको आगाह करता हूँ। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर चलने वाली इस खबर को भी गौर से देखें। द इकोनॉमिक टाइम के मुताबिक पाकिस्तान ने 20,000 के करीब नौजवान सियाचिन पर तैनात कर दिए हैं, जिनमें 500 के करीब SSG के नौजवान भी शामिल हैं। दोस्तों, अब मैं आपको आगाह करता हूँ कि असल में हित्ते में होने क्या जा रहा है। खबर कुछ यूँ है कि चीन भारत के जिस हिस्से में अभी मौजूद है, इसे फिंगर फोर कहा जाता है, जहां से चीन किसी भी वक्त भारत का सियाचिन से जाने वाला रास्ता मुनकता कर सकता है, जिसका बराह रास्त फायदा पाकिस्तान को होने जा रहा है। इसलिए कल GHQ में होने वाली कोर कमांडर मीटिंग में आर्मी चीफ की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को मुकम्मल तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसलिए अब भारत ने सऊदी अरब के जरिए पाकिस्तान को इस मामले से दूर रखने के लिए पैगाम पहुंचाया है। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल इनसाइड न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर, और नीचे अपने वैल्यूएबल कमेंट से जरूर आगाह करें।